नहीं, ओपन करके दिखा देगा, ब्लू दिख रहा होगा। ये लो डीपीपी वन का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस, फाइव क्यूब इक्वल्स टू वन मैं पढ़ रहा हूं ट्वेंटी ना, कोई नहीं बोलेगा। ओके एक्सप्रेस फाइव क्यूब इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिथम फॉर्म। फाइव क्यूब इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिथम फॉर्म। ओके, ये करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, देखो कोई बोलेगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना। अब इसको लॉगरिथम में अपने को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ए रेज टू पावर बी इज इक्वल टू सी। देन अगर अपन इसका लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी इज इक्वल टू से, सॉरी लॉग सी। देन जो भी पावर में होता है वो मल्टीपल में आ जाता है, तो क्या हो गया? बी लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। सिंपल ऐसे ही कर लो। लॉग लिया अपन इस इक्वेशन में, लॉग ऑफ फाइव क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ 125। अब बताओ इसमें बेस क्या लेंगे? फाइव लेंगे सर बेस। देखो मेन देखो अब यहाँ पर सोचने वाली जो बात है वो क्या है कि जो बेस अपन जब भी चूज करेंगे ना, तो ऐसा बेस चूज करेंगे कि उनमें कोई एक जो नंबर है उसका जब लॉग ले तो वो वैल्यू वन हो जाए। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए वो। लाइक अपन जैसे लॉग फाइव है ना, अब अगर अपन यहाँ पे थ्री बेस ले लेते तो अपने लिए सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो अब फाइव है तो ट्राई करते लॉग तो बेस है ऑलवेज फाइव ही लेना है अपने को। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या लिया? बेस क्या ले लिया बच्चों? फाइव ले लिया। अब फाइव ले लिया, अब इसके अकॉर्डिंग ये पावर में थ्री है, ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या हो गया? थ्री लॉग फाइव, एंड बेस अपना फाइव है, बेस अपन ने फाइव बोला तो ये फाइव आ गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ फाइव 125। अब अपन ने बोला था अगर नंबर और बेस सेम हो तो उसको अपन उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? देखो सेम है तो इसको अपन वन बोल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? थ्री इंटू वन इज इक्वल टू लॉग बेस टू द फाइव एंड नंबर कितना है? 125। ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज आवर आंसर। सर ये सर कुछ ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं होगी सर? क्या ट्रिक होगी बड़ी? मतलब सर बड़ा तरीका होगा सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ऐसे लिखा है फाइव क्यूब इज इक्वल टू 125। तरीका बड़ा, तरीका बड़ा नहीं है वो, मैंने समझा। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन की है, हाँ एक्सप्लेन किया है, बाकी इसको करना होता तो यही पे मैं देखो एक स्टेप में तुम्हें करके दिखा देता हूँ। ये था, अब अपने को पता है कि लोग लेते हैं तो पावर सामने आ जाती है, तो ये लो थ्री लोग फाइव रेस टू फाइव बेस है, फाइव नंबर है, तो ये लोग बेस फाइव 125। अब अपने मेरे को पता है ये वन होता है तो थ्री इंटू लोग फाइव। हाँ सर यही, सर यही बोलो सर। अच्छे से होंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये डीपीपी वन का फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? अभी भी कुछ ये दोबारा से बताने की जरूरत है? नो सर कोई जरूरत नहीं है, इससे भी इजीएस्ट वे कोई बता भी नहीं सकता बच्चे, देखो है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग 10 लॉग बेस 10 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों? देखो जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी लॉग की, लाइक अपना लॉग क्या था? लॉग अपना इसको बोल देते हैं अपन ए बी सी। ठीक है, बेस अपना बी है, ए का लॉग ले रहे हैं अपन, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? इस लॉग को हटा देते हैं अपन और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं पावर में, ए इज इक्वल टू बी रेज टू पावर सी हो जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये अपनी। ठीक है, ये समझ में आ गया दिव्यांशु? यस सर आ गया। यस सर, दिव्यांशु क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर। ओके ओके, तो अब इसको अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब अपने को पता है कि ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे? वन अपना कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरे? यस सर, यस सर, यस सर, आवाज भी थोड़ी सी लैग कर रही है। नेटवर्क लैग भी सर आपका सब मुंह पर नीचे हो रहा है सर, आप कैमरा बंद कर दो, नेटवर्क चेंज करता हूं मैं। नेटवर्क इशू, कैमरा बंद कर दूं अभी, थोड़ा वेदर ठीक नहीं है ना सर। कैमरे से क्या करना सर, स्क्रीन तो दिख रही है ना।
चलो ठीक है सर, आप ऐसे ही पढ़ा दो। अभी वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है सर, एकदम मस्त सर। ओके ओके, अब देखो, अब अपने को पता है जिस भी नंबर का अपन लोग ले रहे हैं वो नंबर ऐसे कैसे रह जाता है, और जो बेस होता है वो इस साइड में आ जाता है, और जो बेस के जो इक्वल में आता है लोग वो क्या चला गया, के पावर और 10 के पावर में 0 चला गया। ठीक है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 भी तो कह सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं, बट अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। क्लियर, सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ओके ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, फाइंड द लॉग ऑफ 32 द बेस 4, फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। अब ये है कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो लॉग ऑफ, लेट कर लो x के इक्वल, स्क्वायर कर देते हैं, एंड ये कितना होता है 22 के, अपन अगर 32 के 2 टू द पावर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 5। तो क्या हो जाता है, एन लॉग ऑफ एक्स, एन लॉग एक्स, एन लॉग एक्स। अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था क्या, लॉग ऑफ ए रेस टू पावर बी, अगर बेस अपना ए रेस टू पावर बी है तो जो बेस की पावर होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है 1 बाई बी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। ये पता है सबको ये फॉर्मूला? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, तो सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू, तो सर ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, सुनो सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो गया, 5 अपना मल्टीपल में आ गया लॉग टू द बेस 2 रेस टू पावर 2। अब जो बेस की जो पावर है वो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 5 बाय 2 log of 2 the power to the base 2। अब base same है, number भी same है, तो इसकी value 1 हो गई, तो answer क्या आ गया अपना 5 by 2। This is the answer। Yes sir, 5 by 2 answer। Okay sir। सबको समझ में आ गया? Yes sir। Yes sir। Yes sir। अच्छे से आ गया। Can you repeat this? Sir repeat कर दीजिए इसको। बिल्कुल repeat कर देंगे। देखो। Sir किसी और तरीके से किया है sir? हाँ हाँ कोई नहीं। Sir ये और तरीके से किया है। इसको बहुत ही simple था sir। क्या? बस एक ही फॉर्मूला लगाना था। ये फर्स्ट मेथड ले लो, और एक सेकंड मेथड तुम्हें एक और बताता हूँ मैं, ठीक है? देखो लॉग लॉग 32 द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है? अब ये क्या हो गया अपने पास 32 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो गया 4x। अब ये क्या हो गया अपने पास 2 रेस टू पावर 5, एंड ये क्या हो गया अपने पास 2 रेस टू पावर 2x। ठीक है, अपन ने बोला जब बेस सेम हो जाता है तो उनकी पावर्स इक्वल होती है, ठीक है? तो 5 = 2x = 5/2 भी लिख सकते हैं ना? यस सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें, है ना? तो ये सबको चमक गया? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, 33 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, log x माइनस 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना अपने को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यही है क्वेश्चन? यस सर, सर बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर इसको तो आप समझाओ ही मत, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा अपना, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 रेज टू 5। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब 5 रेस टू पावर सुनो 5 रेस टू पावर 25 होती है ना बच्चों? यस सर। यस सर, वेरी गुड। नो सर 5 नो सर नो सर 5 होती है सर, 5 ही होती है सर। देखो देखो ये क्या हुआ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, राइट?
Now, yes, x equals to 5 plus 7. अरे सुनो, now transfer minus 7 into the RHS side. Okay, so x is equal to 5 plus 7. Sir, x equals to 12. This is the answer. 12. This is the answer. Okay. Okay, yes, sir. Is this question is clear to all? Yes, yes, sir. Sir, there is a technical problem in my laptop, so I am rejoining the meeting, so please let me in. Okay, okay, no problem. Sir, my name is Tavish Shukla, okay? Okay, okay. Now we are moving to fifth question. Fifth question. Our fifth question is log of m to the base a is equal to n. This is given to us. And our question is express this expression into the form of a raised to power n minus 1. N minus 1. So question ki language sabko clear hai? लैंग्वेज क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म m इज इक्वल टू a की पावर, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी विल गेट m इज इक्वल टू a की पावर n. ओके, बट आवर क्वेश्चन इज सो द गिवन एक्सप्रेस इनटू द a रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर्म. But we are getting a raised to power n is equal to m. So we need to multiply a into the both the sides. Sir, 1 by a. So ye kya ho gaya? M by a is equal to a raised to power n minus 1. A raised to power minus 1. Yes, sir. Yes, sir. आ गया सर आंसर. कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं. कि अपने नो सर नहीं है. नो सर, अगर किसी को डाउट नहीं है तो ये तो सबको पता होगा ना कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है. यस सर. m अपॉन a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n माइनस 1. ये हो गया, ये आंसर हो गया. अगर इस क्वेश्चन की जगह तुम्हें दिया हुआ था सो एट इनटू द फॉर्म ऑफ ए रेज़ टू पावर एन प्लस 1, डिवाइड की जगह ए को इनटू करते हैं. इसको देखो अब कैसे करते हैं अपन. अब अपने को बोला था कि a raise to power n minus 1 अपने को फाइंड करना था. अपने को पता है कि अगर डिवाइड करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा. अब m is equal to a raise to power n आया, बट अपने को फाइंड करना है n plus 1. अब अपने को पता है कि n में जो पावर में प्लस 1 कैसे कर सकते हैं, अगर इसको अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर. ठीक है, तो क्या हो गया, m a is equal to a raise to power n plus 1. तो ये आंसर हो जाता. समझ गए? यस सर. अरे समझे कि नहीं समझे? छाप लो, ऐसा करो छाप लो, जल्दी से छाप लो. वेरी गुड. अभी तक आपने 3DPPC दिए है ना? Only 2 DPPs दिए मैंने अभी तक. अभी सर ने जस्ट अपलोड की है, वो सेकंड DPP है. अब देखो अभी अपलोड करी है. अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो. क्वेश्चन नंबर सिक्स तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है. क्या है? log of x minus 1 plus log of x plus 1 x plus 1 is equal to log 1 to the base 2. ठीक है. yes, अब कैसे करोगे इसको? आपका जो ये log 1 2 होता है वो अपना हो जाएगा 0 और जो ये x minus 1 और x minus 1 मल्टीप्लाई में बेस क्या है इनमें सर? log x minus 1 0 होती है तो सर log x square minus 1 अपना ही हो जाएगा. x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1, x is equal to 1. देखो इनमें थोड़ा सुनो, इनमें बेस कुछ भी हो वो बात की बात है. पहले ये देखो, अपने को पता है कि 1 log 1 की वैल्यू
जीरो होती है इफ आवर बेस इज नॉट इक्वल टू वन, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। एंड अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ाया क्या, log m प्लस log n इज जैसे मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप ये क्या हो जाएगा, x माइनस log x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने पास, क्या बोल देंगे अपन, x स्क्वायर माइनस 1, कैसे बोला अपन, रूट 2 आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, ये वाली इनइक्वालिटी सबने पढ़ी है, यस सर, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट? यस सर। सर अपन ने लॉग कैसे ले लिया, x माइनस 1 x प्लस 1, क्या सर अपन ने ऐसे कैसे ले लिया, log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 था उसको अपने log x माइनस 1 x प्लस 1 कैसे ले लिया? अरे ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या सर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपने 10 पढ़ाए थे, ठीक है। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ ना, लेक्चर 1 देखा, यस सर, सर पढ़ा है, और सर ये तो एक्सप्लेनेशन फंड में आएगा सर, हां तो अब इसका आपने सबका प्रूफ भी बताया, हां हां, तो ये क्या हो गया बताओ मेरे को, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये log 1 0 कैसे हुआ सर, किसी भी सर क्योंकि किसी की भी पावर 1 को हम उधर भेजेंगे और पावर 0 लेनी चाहेंगे तो वो 2 की पावर 0, तो सर वो सर सर अगर 2 की पावर 0 लेंगे वो तभी 1 हो पाएगा, इसलिए 0 लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया अपने पास, x square minus 1 is equal to क्या गया 0, ठीक है। अब x square is equal to क्या हो गया अपने पास 1, सर अपने पास log x square minus 1 is equal to 0, तो उसके base 10 होगा ना, तो 10 to the power of 0 हो जाएगा, क्या सर अपने पास log x square minus 1 है तो log के base में 10 होगा, तो x square minus 1 will be equal to 10 to the power of 0, हाँ हाँ हाँ, सुनो क्या हो जाएगा इसमें, देखो मैंने एक बताया था तुम्हें कि अगर तुम्हें बेस गिवन नहीं है तो अपन उसको क्या मानेंगे, ये लेक्चर 1 में बताया था ना सबको, तो ये क्या हो गया अपने पास 0। अब इसको कन्वर्ट कर लो, x माइनस 1 x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 10 रेज टू पावर 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ये क्या हो गया? यस सर। x स्क्वायर इज इक्वल टू x रूट 2 है, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गया, क्या हो गया सर, x इज इक्वल टू रूट 2 x प्लस रूट 2 सर, प्लस का सर, ऑनली प्लस बोला था सर, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी, वेरी गुड, तो log हमेशा प्लस का होगा सर, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ का होगा, माइनस का नहीं हो सकता सर, वेरी गुड। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ फिर इसके चक्कर में, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अब कर लेना है ना, पूरी डीपीपी सॉल्व हो गई अब, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। देखो क्या है अपने पास एक्सप्रेशन, log 75/16 माइनस 2 log सब इनटू हो जाएंगे 5/9 प्लस log 32/243, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपने पास, log 75/16 माइनस अपन ने पढ़ा था n log 25/81, इसको अपन log x raise to power n कर सकते हैं ना,
तो ये क्या हो गया, log of 5 by 9 square plus log 32 by 243, ठीक है? तो ये क्या हो गया, log of 75 by 16 minus log of 25 by 81 plus log of 30. वो माइनस का है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है? फिर अपन ने पढ़ा था अगर log m minus log n है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log डिवाइड चले जाएंगे m by n. अगर log m प्लस log n होता है तो वो क्या होता है, मल्टीपल में मल्टीप्लाई में, ठीक है? अब सिमिलरली इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो गया अपने पास, log 75 by 16 इंटू 81 बाय 25. यहाँ तक सबको क्लियर कि ये 81 ये क्लियर है और सर फिर इंटू हुई प्लस log of 32 by 243. ये क्या हो गया, log of 75 by 16 इंटू 81 by 25 इंटू 32 by 243. ये एक्सप्रेशन बन गया पूरा. सर अब इसको काट का टू के दो बचेगा, इसको तुम सोल्व कर लोगे ना. अब ये तो मैं नहीं बताऊं तो बेटा आईजीएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सिंपल कैंसिलेशन तो तुम्हें आना चाहिए, डिवाइड करना तो है ना. यस सर, 2 आ जाएगा. बिल्कुल सर. तो ये क्या हो गया, log 2 आएगा और log 2. हां ये आंसर हो गया, समझ गए? यस सर. यस सर. सर ये तो मतलब फिर से समझाता हूँ. देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं किया है अपने, किया क्या है देखो, ये वाला इक्वेशन था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अपने को बोला गया है इसको log 2 या log 3 में कन्वर्ट करना है अपने को बेसिकली, ठीक है? अरे ये आवाज किसकी आ रही है, तन्वी जैन. देखो कुछ नहीं था, log 75 by 16 minus 2 log 5 by 9 plus log 32 by 243. ये क्वेश्चन था अपने पास, इसको अपने को log 2 या log 3 में कन्वर्ट करना था, ठीक है? अब देखो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि n log of x, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, log x raise to power n बोल सकते हैं. ये किसको समझ में नहीं आया अब तक, ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ. Is it clear? No doubt. तो अपन ने क्या किया, देखो ये जो 2 था इसको अपन ने पावर में भेज दिया 5 बाय 9 के, तो सिमिलरली ये सिंपल ऐसे कैसे उतार दिया, ये 5 बाय 9 के पावर में चला गया प्लस log 32 बाय 243. अब जब इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, ये सिंपल फिर से ऐसे कैसे चल रहा था. फिर अपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, log m minus log n is equal to log m by n and second formula is log m plus log n is equal to log m into n. अब इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करना है. देखो ये माइनस में है दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे. तो ये क्या हो गया, 75 by 16 into 81 by 25. ये किसको समझ में नहीं आया, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर. ओके, तो फिर प्लस log 32 by 253. हाँ हाँ सर, मेरे को पूछना सर, इसका मतलब लास्ट आंसर क्या होगा सर, log 2 आएगा ना इसका लास्ट आंसर, log 2 सर. इसके बाद सर क्या करना है सर, इसके बाद कुछ नहीं करना. ओके सर, ठीक है. फिर अपने पास क्या था, log 32 by 243. फिर अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो m into n, अब सभी मल्टीपल में हो गए तो इनको जो कट रहा है उसको काट दो, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो एंड आंसर निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा log of 2, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में आ गया ना? यस सर. यस सर, 8th क्वेश्चन क्या है, x breaks log 2 log of x प्लस 3 ऑफ log y इज इक्वल टू log of a. इन लॉगरिथम फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना अपने को, ठीक है? मतलब log हटा देना पूरा. तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, मल्टीपल में था सर, x की पावर पे 2 आ जाएगा, y की पावर पे 3 चला जाएगा, ठीक है? और सर उसके बाद सर अपन log फॉर्मूला ले काट देंगे फिर और y और x. अरे सुनो तो, सुनो तो, log of y क्यूब इज इक्वल टू log of a. अब वही सर अपन log कॉमन ले लेंगे, log m plus log n is equal मल्टीप्लाई और सर फिर बाद में काट देंगे. तो ये क्या हो गया, log of x square y cube is equal to log of a. अब इन दोनों log को log कैंसिल हो जाएगा. अब इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, देखो बेटा कभी भी ये चीजें कैंसिल नहीं होती है, समझ रहे हो? देखो जब तुम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ोगे ऐसे
क्या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम कभी ऐसे मत सोचना कि इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल नहीं होता है, इसको अपन कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे ना तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आता है। यस सर ओके सर, ये कैंसिल नहीं होता, ये कोई क्वांटिटी थोड़ी है कि कैंसिल कर देंगे अपन, ओके सर बेटा फंक्शन है, फंक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते अपन, ठीक है, उनको कंपेयर करते हैं ओनली और कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या था, देखो कंपेयर कैसे करते हैं अपन, ये था अपने पास इसमें बेस 10 बेस 10 बेस 10, अब जब बेस 10 है तो इनके नंबर भी सेम हो जाएंगे, तो x square y cube is equal to a, ये log free expression है, समझ गए? Yes sir. कोई दिक्कत है तो बताओ। No sir, no problem. आप लिए? तो logarithm of free expression का मतलब है कि उससे log से हटा दे। हाँ, log हटाना उसका। Okay sir. समझ गए सब? Yes sir. अब देखो कौन से क्वेश्चन में आ गया अपन, नाइन्थ क्वेश्चन में आ गया I think. Yes sir. चल नाइन्थ. Sir proof. नाइन्थ क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं यार। यस सर इजी। सर आपने पढ़ाए है तो सब कुछ ही इजी है। मैंने पढ़ाया नहीं तब नहीं, कोई भी पढ़ाएगा तो इजी है यार ये, ठीक है। देखो क्या है, 2 log of 15 by अरे बिल्कुल 7th क्वेश्चन देखा है सर, 18 minus log of 25 by 162 plus log of 4 by 9 is equal to लो, सर इसमें भी सब कैंसिल ही होगा, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो यस सर, इट इज सर एक्चुअली लाइक द 7th क्वेश्चन। हां हां देखो अब सर वो 2 ही है, एलएचएस पार्ट देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई पावर में ले जाओ इसको, तो क्या हो गया, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, ये तो इस पर से लिख देता हूं मैं तुम्हारा, लोग जब इसको तुम पावर में ले जाओगे तो ये कितना हो गया 225 और ये कितना हो जाएगा 324 माइनस log of 25 by 162 प्लस log of 4 by 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये log of 225 18 और 15 भी लिख सकते हैं, सॉरी 324 into 162 by 25, ठीक है, 162 by 25, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर हाँ, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 by 9 से, इसको सॉल्व करना एक्सप्रेशन को, सर सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, आ जाएगा log 2, ठीक है, log 2, हाँ समझ गए? यस सर, यस सर। किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार बच्चे, इनको कैंसिल करोगे तो तुम्हें, इनको कैंसिल करोगे तो तुम्हें मिलेगा log 32 by 36, फिर 36 से कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स से कैंसिल होके यार, यस सर, सर बहुत आसान, समझ गए सब? यस सर, यस सर, यस सर। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो, देखो बच्चे आज है ना थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग सभी के लिए नया है बिल्कुल, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि थोड़ा स्पीड अपन बूस्ट करेंगे, ऐसे तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो फिर सारी न्यूमेरिक टाइप तो तभी समझ में आएगा ये सब, जब तुम पहले से सोल्व करके आओगे, ठीक है बच्चे। देखो क्वेश्चन सही आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आया वो सोचना नहीं है, पहले तुम्हारा काम है जस्ट अटेम्प्ट द डीपीपी और मॉड्यूल, ओके, अगर ट्राई नहीं करोगे तो आएगा कैसे, जब ट्राई करोगे तब पता लगेगा ना कि एक्चुअल में मेरे को आया कि नहीं आया, समझ गए? यस। अब देखो यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस log of 2 plus 1 टू द बेस 10 इन द फॉर्म ऑफ log of x टू द बेस 10, इसमें सिंपल इसको तो ऐड ही कर दो या वैसे भी कर सकते हो तुम, जैसे कैसे मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है। लोग देखो ये क्या था, 2 प्लस 1 था बच्चों, ठीक है, ऐसे नहीं था, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये 2 प्लस 1 अलग अलग था, फिर अपन ने log of बेस पावर 10 और log of टू द बेस को अलग अलग लेंगे, 2 और प्लस 1 टू द बेस 10, ऐसे था ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया log of 2 द बेस। एक बात पूछूं? हां बोलो। चलिए जो आपने लिखा है log 2 टू द बेस ऑफ 10 प्लस log 1 टू द बेस ऑफ 10, तो ये 2 और 1 तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हां हां मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सर, लेकिन आपने 2 प्लस 1 हो जाएगा,
इसको इसको अपन दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना अभी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, तो अभी अपन इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हैं। बट अगर अपना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो फिर अपन आंसर के अकॉर्डिंग जाएंगे, समझ गए? जब देखो अब सब्जेक्टिव होती है उसका फर्स्ट एस्पेक्ट अपन देखते हैं कि ये वाला कि लाइक ये कुछ ऐसे रहे होंगे, तो फिर अपने क्या हो गया लाइक लोग टू द बेस 10 प्लस लोग 1 टू द बेस 10 ऐसे थे, तो ये क्या हो गया लोग 1 टू द बेस 10, फिर ये क्या हो जाएंगे लोग mn वाली फॉर्मूले से हो जाएगा, तो ये क्या हो गया लोग 2 इंटू 1 टू द बेस 10, तो लोग 2 टू द बेस 10 ये इसी के फॉर्म में आ गया लोग x to the base 10, इसी सर, लेकिन हमारा जो है वो log 2 plus 1 है, 2 into 1 नहीं। हाँ, 2 plus 1 है, तो अपन इसको टू एस्पेक्ट से देख सकते, फर्स्ट एस्पेक्ट तो ऐसे समझते कि ये जो ब्रैकेट था ये ऐसे रहा होगा, फिर अपन ने इसका log लिया, ठीक है, तो log जब अपन लेते हैं तो 1/1 एक एक का log आता है, ठीक है, ये तो अपना फर्स्ट एस्पेक्ट आ गया। अब सेकेंड एस्पेक्ट अपना रहा कि ये दोनों एड में है, ठीक है, इनको अपन एड कर सकते हैं, तो फिर अपना आंसर क्या आ जाएगा log 3 to the base 10 आ जाएगा, समझ गए? हाँ, तो सर ऑप्शंस में अगर दोनों हो तो ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे बच्चे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ओके सर, पेपर ऐसे नहीं बनता बेटे, बहुत सोच समझ के बनाया जाता पेपर, ठीक है, ओके यस सर, छाप लिया, छाप लिया, छपा हुआ, छाप लिया, छाप। अब अपना कौन सा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में देखो लोग कोई बच्चा x raise to power 1 की वैल्यू 100 होती है ना? नो सर, नो सर, 10 होती है, 100 होती है यार, 10 होती है सर, 10 होती है सर, अरे 10 होती है, 10 तो 10 raise to power 2 होती है, यस सर आप सही बोल रहे हो, हां वेरी गुड सर, आप गलत बोल रहे हो, हम गलत है आप सही, सर हम आपके शिष्य हैं, हम आपको सही बोलेंगे, हां बिल्कुल वेरी गुड, कल सिकर में आना बेटा, तेरे को प्राइज दूंगा मैं, थैंक यू सर, सर मैं भी आ सकता हूं, हां सब आओ, देखो यस सर, ज्यादा लोग आएंगे तो उनको ज्यादा प्राइज मिलेगा, x minus 10 is equal to 10 raise to power 1, अब 10 raise to power 1 क्या हो गया अपना 10, और इस 10 को अपन ने ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया प्लस 10 x is equal to 20, ठीक है, अब अपना 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है find the value of x if log of x plus 5 plus log of x minus 5 is equal to 4 log of 2 plus 2 log of 3, देखो बेस सबका सेम है तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, को मल्टीप्लाई कर दो, x plus 5 x minus 5 log अपना है is equal to, अब इसको पावर में ले जाओ, इसी को पावर में ले जाओ, तो ये क्या हो गया log 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2, ठीक है, अब ये क्या हो गया x square plus क्या हो जाएगा x square minus क्या हो जाएगा 25 is equal to log 16 into 9, so sir it will be 144, okay, 144 x square is equal to 144 plus 25 13, okay. तो ये क्या सर इट विल बी लॉग 144, हां लॉग 144, तो इस साइड में भी जो लॉग x स्क्वायर माइनस 25 है तो उसको अपन ने कंपेयर कर दिया, ओके सर, तभी तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप कर रहा था, मेरे को पता था काफी बच्चों की हवा उड़ जाएगी यहाँ पे, समझ गए ना, यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा फास्ट बनो, फास्ट बनो तभी आईजीएसओ का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, यस सर, अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज वाइंड अप करते हैं क्लास को, डीबी2
डीपीपी टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार बेटा, अभी तो टाइम हो गया ना इस क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉग वाला चैप्टर सभी के लिए, हाँ लॉग वाला चैप्टर थोड़ा नया सा है ना सबके लिए, जैसे 8 9th वाले आपसे फोन करके पूछ सकते हैं क्या? अरे जब डाउट क्लास होगी, डाउट क्लास होगी तब देखना बच्चे उसको, है ना? अभी मॉड्यूल सोल्व करो सब अपने डाउट्स है ना, मार्क कर लिया करो, बाकी अगर किसी को पूछना है अर्जेंट है तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन की फोटो करो, फोटो लो और मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं तुम्हें जैसे सीन करूंगा उसके अगले 3-4 मिनट में आंसर भेज दूंगा। अगर मैं थोड़ा बिजी हूँ तो हो सकता है लेट हो जाए, बाकी क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। जैसे कल मेरे को अथर्वे ने क्वेश्चन पूछा था, बट मैं ट्रेवल कर रहा था जयपुर ग्वालियर और थोड़ा घर पे भी मिलने जुलने में बिजी था, तो उसका क्वेश्चन अभी भी सोल्व नहीं किया मैंने। अथर्वे बेटा मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, है ना? बाकी वो क्वेश्चन 150 उसका आंसर आएगा, तेरा आंसर करेक्ट है उसमें, है ना? अच्छा मैं सही है ना? हाँ हाँ ओके ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो, log of 225 डिवाइडेड बाय log of 15 ये है इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अभी अपने को फाइंड करना है, देखो इसको क्या कर सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस यस सर कर सकते हैं। तो देखो लॉग ऑफ 15 स्क्वायर 2 को लेंगे और लॉग ऑफ 15 से लॉग 15 क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स के इक्वल है, तो अब 2 अपना मल्टीपल में आ गया, लॉग 15 बाय लॉग 15 इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएंगे एक्स, log 15 से log 15 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया अपने पास, log of x is equal to 2 क्या सर? 2 और अपन ने बोला था कि जब बेस दिया ना हो तो अपन क्या अज्यूम करेंगे for 10, for 10. 10. तो ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 raised to power 2 x 100 क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया डीपीपी 1? कोई डाउट होगा मेरे को लगता है नहीं किसी को डाउट है, सबको क्लियर है? या तो आंसर सर 2 आ रहा है सर, log x = 2, अरे वो 10 हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना। ओके सर, ओके सर, ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Okay, bye bye. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Bye, sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Bye sir. Thank you.